सब्सक्राइब करो NC7 न्यूज नू ते लेटेस्ट अपडेट पाउन ले प्रेस करो बेल आइकन। तरनतारन दे पिंड महीदीपुर विखे गुरुद्वारा साहिब दी हदूद दे अंदर नाबालिग लड़की दे नाल कीते गए जबर जनाह दी वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल हुई सी, जिस ते कार्रवाई करदिया पुलिस ने दोषियों उपर मामला दर्ज कर लिया सी अते एक दोषी नू गिरफ्तार करके जेल भेज दिता गया, परंतु 2 महीने बीत जाण दे बावजूद भी दूजा दोषी काबू नहीं किया गया। पीड़ित परिवार वालों SSP दफ्तर अगे भुख हड़ताल की गई, पर किसी भी उच्च अधिकारी ने उन्होंने नाल राबता कायम नहीं किया। दस दिए कि बीते दिन पए भारी मीह के दौरान पीड़ित परिवार ने भुख हड़ताल जारी रखी, जिसके चलद भुख हड़ताल से बैठी लड़की की हालत खराब हो गई। डॉक्टर की टीम पहुंची ते लड़की नू डॉक्टरी सहायता दी गई। इस दे नाल ही परिवारिक मैंबरां दा कहना है कि जदों तक उन्होंने इंसाफ नहीं मिलता यह भुख हड़ताल जारी रहेगी। मौके ते पहुंचे जिला बाल सुरक्षा अफसर राजेश कुमार ने दसिया कि ओह इस परिवार दी गल उच्च अधिकारियों दे नाल करनगे अते परिवार नू पूरा इंसाफ दिता जाएगा। 27/7/2020 दा मसला आ पिंड महीदीपुर दा, 376 दा मुकदमा दर्ज होया, 2 दोषी है जी, अजे तक 1 दोषी नू गिरफ्तार कर लिया, दूजा दोषी जिहड़ा आ ओह पुलिस दी गिरफ्त तों बाहर आ ते इत्थे झूठी इनक्वायरी ला के बैठे आ। एक तो जी झूठी इनक्वायरी वह कैंसल की जाए, एक और साड़ी लड़की नू इंसाफ दवाया जाए ते दोषी नू जल्दी तो जल्दी गिरफ्तार करके सलाखा पिछे छड्डिया जाए। हालत नाजुक है जी, रात की वोमिटिंग शुरू हुई है ते नाले बहुत गंभीर हालत है जी। नहीं जी, हालत हस्पताल नहीं खड़ना, अं इतें रखना जी, जिन्ना चर सू इंसाफ नहीं मिलता अं इतें मर जावे, हिलना नहीं इतों। मैं मेरी अज की डेट के अंदर इस बच्ची में घर पहुँचाने की पूरी कोशिश रखी जाएगी कि SSP साहब जल्द जल्द मिल के ये बच्ची आपके घर जाए, क्योंकि इतने बीमार हो जाना और इसकी जान माल की रक्षा साड़ी जिम्मेवारी बनती है, तो मैं हूँ ही SSP साहब मिलकर इसकी कार्रवाई पूरी करूँगा। 3 दिन हो गए जी परिवार इतने बैठा, कोई सरकारी अधिकारी मिल नहीं आया। 3 बार मैं मिल के आया जी, पर परिवार को मैं पहले दिन जो मिलया सीगा उस दिन इन्हें कहता कि मैं असी लड़की को भेज रहे हैं क्या, बट इन्होंने हजे तक नहीं लड़की को भेजा है। देखो जेकर अगर बच्ची नू कुछ होंदा भी है या क्लूरिटी होंदी हैगी है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर माँ प्यो ते भी ही कार्रवाई की जाती है, क्योंकि इस टाइम बच्ची का भी तो शोषण हो रहा है, जिहड़ा बच्ची का शोषण करता चाहे माँ प्यो कर रहे हैं चाहे पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा है, एक्ट के अंदर बनती कार्रवाई तो बनती। बच्चे के माँ प्यो वालों यही मांग है कि जिहड़े लवप्रीत सिंह है उन्होंने फड़िया जाए जिहड़ा फरार है, तो इनक्वायरी कोई पेंडिंग ना छड्डी जाए, कार्रवाई की जाए। सर कोई इंक्वायरी नहीं चल रही, पॉक्सो एक्ट के अंदर जो कोई केस आ जाता है उस टाइम जोड़े दोषियों के बच्ची ने नाम लिखे उन्होंने गिरफ्तार करना बनता ही बनता है। उस संबंधी हूँ SSP साहब वालों SHO साहब न मैं गल करता है कि SHO ने उस टाइम मौके पर दोषी ने क्यों नहीं फड़िया, क्यों नहीं कार्रवाई की, जो फिर SSP साहब वालों बनती कार्रवाई की जाऊगी।